डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी। आई विल टीच यू केमिस्ट्री टुडे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक सिस्टम पे डिस्कस कर लिया था। सेकंड टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, शॉर्ट में इसको BCC कहते हैं। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम द यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये हमारा क्रिस्टल दिया गया है, इसमें हमारे जो क्यूब है इसमें 8 एटम जो है वो 8 कॉर्नर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1 एटम जो है ये एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सेंटर पे। नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 8 कॉर्नर का जो 1 पार्ट से ये वो 1/8 है। 8 × 1/8 प्लस 1 क्या है, 1 एटम आपका सेंटर्ड पे क्यूब के। तो 8 × क्योंकि आपके पास 8 एटम है, 8 कॉर्नर हैं, उसका जो ये पर यूनिट का होता है, प्रत्येक भाग होता है जिसे कहते हैं, वो 1/8 होता है। तो 8 × 1/8 +1 सॉल्व कर लेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल का 2 एटम। यानी कि BCC में हमारे पास अगर पूछा जाए कितने एटम्स होते हैं तो BCC में कितने होते हैं, 2 एटम्स। दज द यूनिट सेल ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कंटेन्स 2 एटम्स। नेक्स्ट टॉपिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, शॉर्ट में से FCC कहते हैं। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स द क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेज एंड 1 एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। मीन्स ये आपका क्रिस्टल है, क्यूब दिया गया। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम द क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है कंसिस्ट ऑफ एटम्स एट द सेंटर, जो कंसिस्ट ऑफ एटम होता है एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेज एंड 1 एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर हैं, 6 फेसेज हैं। लेकिन बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो हमारा एटम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने BCC में भी डिस्क्राइब किया था, 8 कॉर्नर हैं, 1/8 उसका ये जो इतना पार्ट्स होता है, अब किसी भी क्यूब के साइड का ले लीजिए, ये 8 × 1/8 इक्वल का 1 प्लस 6 फेसेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन वो आपके 1/2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए, किसी का भी ले लीजिए, वो 1/2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 6 × 1/2 कैंसिल कर लेंगे, 3 इक्वल का 1 + 3 इक्वल का 4 एटम्स। यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या है कि आपके पास अगर पूछा जाए कितने एटम्स हो सकते हैं, तुम कह सकते हैं 4 एटम्स। दज द यूनिट सेल ऑफ अ FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कंटेन्स 4 एटम। प्लीज मे आई रिक्वेस्ट यू, टॉपिक को सीरियसली लें, क्योंकि ये टॉपिक पुनः रिपीट नहीं किए जाएंगे।